हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कलर बार के परफेक्ट मैच प्राइमर के बारे में। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ इसके पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये व्हाइट कलर की विथ सिल्वर कैप इन्वर्टेड बॉटल है, यानी कि इसको ऐसे नहीं, इस तरह से रखना होगा। प्लस इसका जो नॉजल है वो डिस्पेंसर है। इससे ये फ़ायदा है कि ये बस जितना ज़रूरत है ये उतना ही आपको निकालना होगा, ज़्यादा इसमें से वेस्ट होने का चांस नहीं है। और दूसरी चीज़ का जो कैप है वो बहुत ही अच्छे से टाइटली क्लोज होता है, तो ये कभी इस पर प्रेशर पड़े या कहीं रफली यूज़ हो तो इससे लीक नहीं होगा, तो इसलिए ट्रैवल फ्रेंडली भी है। और दूसरी चीज़, ये पतला सा छोटा सा बॉटल है तो ये किसी भी छोटे से बैग में आ जाएगा, तो काफ़ी फंक्शनल और कन्वीनियंट है। अब बात करते हैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस की, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस प्राइमर को यूज़ करने के बाद। तो मैं ऑनेस्टली बोलूँगी कि ये मेरा फर्स्ट प्राइमर है जिसको मैंने मार्केट से ख़रीदा है और यूज़ कर रही हूँ। इसके पहले मैं जितने भी प्राइमर मैंने लगाए हैं वो सारे जनरली घर पे ही बनाती थी, होममेड प्राइमर, जिस पर मैंने वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगी। और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मार्केट से ख़रीद कर यूज़ कर रही थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि इसका किस तरह का रहेगा मेरे स्किन टोन के हिसाब से, क्योंकि इसके पहले मैंने जितने भी वीडियोस रिव्यूज़ पढ़े थे काफ़ी अच्छे थे कि बहुत ही अच्छा इसका इफ़ेक्ट होता है, मेकअप बहुत लॉन्ग लास्ट रहता है। जनरली जो होममेड हम प्राइमर लगाते हैं वो उतना लॉन्ग लास्ट नहीं होता है, तो अगर पूरे दिन के लिए आपको मेकअप स्टे करना है अपने फेस पर तो आप ऐसा प्राइमर यूज़ करें जो पूरा दिन आपके मेकअप को अच्छे से फेस पर रखें। तो ये सारे रिव्यूज़ पढ़ के मैंने इसको ऑर्डर किया था। जब मैंने इसको यूज़ किया तो ये बहुत ही लाइट वेटेड है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी, बिल्कुल बहुत ही क्रीमी सा है लेकिन ऑयल फ्री, ये कोई भी ऑयली और ग्रीसी जैसा नहीं लगता है स्किन पे लगने पर। आपके स्किन पे लगने पर एक मुझे जो फील हुआ कि अगर मोम को बिल्कुल पतला कर दे और वो अगर आपके फेस पे लगा दिया जाए बिल्कुल पतली सी कंसिस्टेंसी करके, तो उस टाइप का मुझे थोड़ा फील आया। ये बहुत आसानी से फेस पे ब्लेंड हो जाता है और स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, कहीं से भी ऑयली या ग्रीसी सा फील नहीं होता है स्किन पर। दूसरी चीज़ इसमें कि कोई भी फ्रेगनेंस नहीं है, कोई भी खुशबू नहीं है इसमें, तो ये जिनकी अगर सेंसिटिव स्किन है, जिनको खुशबू वगैरह से थोड़ी इरिटेशन होती है, उनके लिए ये अच्छा प्राइमर रहेगा। इसको लगाने के बाद स्किन पे बहुत अच्छा एक ब्लर सा सरफेस तैयार हो जाता है आपके फाउंडेशन के लिए, तो जब आप फाउंडेशन लगाते हो तो बहुत आसानी से फेस पे लग जाता है और फेस बहुत ही फ्लॉलेस सा दिखता है। अब बात करते हैं इसके ड्यूरेशन की। इसका जो स्टेइंग पावर है वो काफ़ी अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पार्टी अटेंड किया था जिसमें मैंने ये प्राइमर लगा के मेकअप लगाया था, और वो ही मैं ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे बाहर थी, तो शाम तक भी मुझे अपने फेस पर ऐसा नहीं लगा कि मेरे फेस पे से मेकअप फेड हो गया है, फाउंडेशन पैची हो गया, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। इवन शाम होने तक भी मुझे अपने फेस पर मेकअप अच्छे से लगा हुआ था, मुझे अपनी स्किन क्लीन दिख रही थी, तो मुझे लगा ये प्राइमर की वजह से ही, अदरवाइज इसके पहले मेरा शाम होते हुए सारा मेकअप फेड हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बस लिपस्टिक को छोड़कर लिपस्टिक फेड हो चुकी थी, लेकिन प्राइमर मेरा पूरा टाइम था। तो लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि ये प्राइमर पूरा दिन ही आपके फेस पर अच्छे से मेकअप को सेट करके रखता है। ये सारी स्किन टाइप के लिए है, ऑयली सेंसिटिव ड्राई कॉम्बिनेशन सारी स्किन टाइप के लिए है ये। और दूसरी चीज़ कि इसमें कोई भी कलर नहीं है, इसमें कोई शेड नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। और इसको ट्रांसपेरेंट रखने का रीज़न ये है कि ये आपके फाउंडेशन के साथ मिलकर कोई दूसरा कलर नहीं बनाए, आपके फेस का कलर कोई डिफरेंट नहीं है, इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट रखा गया है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की, यानी ड्रॉबैक्स की। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी वो ये कि ये पैराबेन है इसमें और ये सिलिकॉन है। जनरली हम कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स देखते हैं तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि ये पैराबेन फ्री है, लेकिन ये पैराबेन फ्री नहीं है, इसमें पैराबेन है। दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी उसका प्राइस, क्योंकि इसकी क्वांटिटी के हिसाब से इसका प्राइस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइट पर है, मैं इसे जनरली डेली नहीं यूज़ करना प्रेफर करूँगी, कुछ स्पेशल ओकेजन या पार्टी में ही मैं इसे यूज़ करना प्रेफर करूँगी। मैं आपको एक आइडिया के लिए लगा कर भी दिखाती हूँ कि मैंने एक तरफ प्राइमर के साथ अगर यूज़ किया है फाउंडेशन और एक विदाउट प्राइमर फाउंडेशन यूज़ किया है तो दोनों में क्या फ़र्क है, मैं आपको इसको करके भी दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी सिर्फ प्राइमर लगाया, लेकिन आपको दोनों की तरफ इफेक्ट दिख रहा होगा, ये थोड़ा क्लीन सा लुक आ गया है इसमें, और भी मैंने कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाया है। अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी और मैं लैक्मे का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ।
तो आप देख सकते हैं इस तरफ ज़्यादा क्लीन लुक दिख रहा होगा आपको, इधर उतना क्लीन लुक नहीं दिख रहा होगा। तो ये एक्चुअली फ़र्क है प्राइमर का, और ये लॉन्ग लास्टिंग है, ट्रस्ट मी, ये कम से कम पूरा दिन तो आपके फेस पर स्टिक करके रहेगा ही। बट लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक प्राइमर नहीं यूज़ किया और आपको फर्स्ट टाइम प्राइमर यूज़ करना है और आप उसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो ये प्राइमर बहुत अच्छा है और थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन वर्थ है। आप इसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, डेली के लिए नहीं बट स्पेशल टाइम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप थोड़ा सा महंगा जाके प्राइमर यूज़ करना चाहते हो और उसमें चाहते हो कि हाँ वो आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे, तो आप ज़रूर इस प्राइमर को ले सकते हो। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो, होप ये आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।